The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे दिल के बारे में कि हार्ट अटैक किसको होगा, नाउ क्यों होता है और कैसे होता है, और हम कैसे जानेंगे, कैसे पता कर सकते हैं कि आपको इन फ्यूचर अटैक होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो लक्षण क्या होंगे, और अगर लक्षण क्या होंगे के बेसिस पे आपको आगे जांच क्या करनी पड़ेगी। तो सभी हो गया, थोड़ा बहुत इलाज छोड़ के बाकी सब की बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज हार्ट अटैक। याद रखिए, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक, कार्डियक अरेस्ट, ये चार अलग चीज़ें हैं। पहले तो टर्मिनोलॉजी समझो, ठीक है। दिल के अंदर जाने वाली खून की सप्लाई, दिल को खून पहुंचने वाला जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो खून की नसें दिल को, दिल की मांसपेशी को खून पहुंचाती हैं, उसमें कहीं ब्लॉकेज हो जाए, उसमें कहीं ब्लड सप्लाई कट हो जाए, क्लॉट आ जाए, खून का थपका आ जाए, तो या फिर उधर की खून की नसें स्पाजम हो जाए। जी हाँ, देर इज़ वन टाइप ऑफ अटैक जिसको एंजाइना भी बोल सकते हैं, जिसमें ब्लॉकेज नहीं है, बस स्पाजम हो रहा है। सो इतनी छोटी छोटी खून की नसें स्पाजम हो जाए तो खून जाना बंद हो जाता है। उस जगहों पे जहां खून जाना बंद, वो जगह इज अंडर अटैक, दैट इज कॉल्ड अ हार्ट अटैक। नाउ दिस हार्ट, ये हार्ट अटैक कितने देर रहता है उस पर निर्भर होगा कि आप जियोगे कि मरोगे, कि आपको क्या होगा। कुछ मिनटों के लिए अगर ये होके स्पाजम होके ठीक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एंजाइना। हार्ट अटैक मतलब इसको मेडिकल लैंग्वेज में ACS बोलते हैं। ACS इज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। व्हाई? बिकॉज इट हैज थ्री थिंग्स। एंजाइना इज आल्सो टाइप ऑफ हार्ट अटैक, और एंजाइना बार बार हो रहा मतलब आपके हार्ट में दिक्कत आ रही है, देयर इज एन अटैक, योर हार्ट इज अंडर अटैक। ना वो थोड़ी देर के लिए है तो वो एंजाइना थोड़ी देर के लिए है, कंटिन्यूअस एंजाइना कंटिन्यूअस, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना क्रोनिक एंजाइना, इट्स ऑल्सो बैड फॉर योर हार्ट। ना मेजर और माइनर अटैक भी बोल सकते हैं इसको, क्रोनिक स्टेबल है क्रोनिक एंजाइना को। और दूसरा, कितने लंबे, अगर ये कंटिन्यूअस हो रहा है अटैक, तो आपका हार्ट डैमेज होके लिटरली मर सकता है, हार्ट का वो हिस्सा डैमेज हो सकता है, और हार्ट कैन गेट डैमेज एंड इट कैन स्टॉप। व्हेन योर हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक मतलब हार्ट, अरेस्ट मतलब रुक गया, हार्ट रुक गया, कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट कई बार एक के बाद एक हो सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हार्ट अटैक हो गया, अब कार्डियक अरेस्ट नहीं होना चाहिए, हो गया तो कार्डियक अरेस्ट को रिवाइव करना है, वो भी हमारा उद्देश्य होता है अस्पतालों में। सो आपको समझ गया कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट ब्लॉक, मान लीजिए हार्ट के अंदर अटैक तो है ही, खून की नसों में दिक्कत आ गई, वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा। अब वहाँ जब ब्लड नहीं जा रहा, वो गलती से आपका हार्ट का शॉर्ट सर्किट वाला, इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला सिस्टम है। सो योर हार्ट हैज नाउ हार्ट अटैक एज वेल एज हार्ट ब्लॉक। इलेक्ट्रिकल ब्लॉक इन द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट ब्लॉक। इट माइट बी अ कंडक्शन ब्लॉक, कंडक्शन डीले टाइप वन, जो मोबिट टाइप वन टाइप टू ब्लॉक होते हैं, टाइप वन टाइप टू और टाइप थ्री, यानी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। सो हार्ट ब्लॉक इज इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, हार्ट अटैक इज ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम, और हार्ट कार्डियक अरेस्ट इज रुक गया, और कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर इज व्हेन, जब हार्ट का अटैक होने के बाद अगर लंबे समय तक अटैक चल रहा है और एक हिस्सा हार्ट का डैमेज हो गया है, कमजोर हो गया है, और दूसरा है फिर भी हार्ट धड़क रहा है, रुका नहीं, कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ, हार्ट धड़क रहा है फिर भी, तो वो कमजोर हो गया है। अब उस कमजोरी को बोलते हैं हार्ट फेलियर, कि हार्ट जो है फेल हुआ है, इतने परसेंट फेलियर है, अब हार्ट इतने परसेंट ही काम कर रहा है। सो समझ गया चारों चीजें, सो आपको समझ गया ये सब। अब याद रखिए, हार्ट अटैक और हार्ट अटैक सबसे पहला स्टेप है इसमें। अब कई अलग चीजें हैं, कई बार हार्ट ब्लॉक बिना अटैक के भी हो सकता है, उम्र के साथ खराब हो रहा है हार्ट, वो भी हो सकता है। कई बार हार्ट फेलियर बिना अटैक के हो सकता है, कि हार्ट बस फैलता गया और फेल हो गया, लेकिन हार्ट अटैक के
और किसी भी कारण से कार्डियक अरेस्ट अलग से भी हो सकता है। तो हर एक चीज़ अलग अलग हो सकती है, सारी एक साथ भी हो सकती है। तो ये चार टर्मिनोलॉजी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और हार्ट अटैक के कारण वाइज, भाई हार्ट अटैक होगा तो सिम्टम क्या होगा, छाती में दर्द, अपर, कभी कभी अपर बॉडी में पेन, कभी ऊपर पेन, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी पीठ में, कभी इधर, यहाँ, एटिपिकल पेन्स हो सकते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना, पसीना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ दैट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। इसीलिए ऐसे भी किसी भी पेशेंट का आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पर उनका ECG ज़रूर होता है, बिकॉज ECG इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सच सिचुएशन। हार्ट अटैक का मैंने आपको कारण बता दिया कि वहाँ पे जाने वाला ब्लड सप्लाई बंद हो रहा है, कम हो रहा है, वो या तो क्लॉट से होगा या फिर वहाँ धीरे धीरे जमा हो रहे कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ब्लड क्लॉट कैसे बनते हैं पे वीडियो है, एथेरोस्क्लेरोसिस पे वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा। हार्ट का लिंक नीचे देंगे हम डिस्क्रिप्शन पे, और सिम्टम वाइज आपको हमने बता दिया। कारण, कारण मतलब कारण भी होता, रिस्क फैक्टर बता, रिस्क फैक्टर मतलब जो स्मोकिंग करते हैं, जिन, जो मोटे ज़्यादा है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो जिनकी डाइट ख़राब है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो ठीक से नहीं सोते हैं, उनको होता है। बस ये है बेसिक। स्मोकिंग, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, गलत सलत खाना, दारू पीना, तंबाकू खाना, स्ट्रेस लेना, नींद नहीं आना, इनको होता है। उसके अलावा जो फैमिली हिस्ट्री इज़ अ बिग रिस्क, आपके परिवार में हुआ तो आपको हो सकता है, आदमियों को थोड़ा ज़्यादा होता है, 65 की उम्र के बाद ज़्यादा होता है, पर यंग में भी हो सकता है, और कई सारे अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को, अफ्रीकन पीपल को ज़्यादा हो सकता है, बट देन दैट इज़ नॉट आर कंसर्न, राइट। हमारा कंसर्न है बाकी सारी चीज़ों को। तो स्ट्रेस मत लो, एक्सरसाइज करो, मोटे मत रहो, दारू और सिगरेट बंद करो, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहा तो भी एक रिस्क फैक्टर है, बट नॉट अ मेजर रिस्क फैक्टर। डायग्नोसिस के लिए पहला आपको ECG करना पड़ेगा। ECG में डाउट है, छाती में दर्द है, सिम्टम्स हैं, ECG रिपीट होगा आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद, सीरियल ECG। उसके अलावा ट्रोपोनिन, कार्डियक ट्रोपोनिन नाम का टेस्ट होता है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन इज एन एंजाइम जो आपके हार्ट की मसल के अंदर होता है, वो उसका काम नहीं है खून में घूमना। जब भी हार्ट की मसल डैमेज होती है बाय एनी वे एनी मीन, वो खून में आएगा। तो अगर वो खून में बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो हार्ट अटैक है। माइनर मात्रा में वो कई बार इन्फेक्शन में भी निकल सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन भी हार्ट को कुछ हद तक डैमेज कर सकता है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू कंसिडर। ट्रोपोनिन लेवल्स भी सीरियल करा के देख सकते हैं, बढ़ता जा रहा है मतलब डैमेज बढ़ता जा रहा है। सो सीरियल ECG, सीरियल ट्रोपोनिन, इसके अलावा दूसरे कार्डियक एंजाइम्स हैं CPK, CKMB, और वी कैन डू इकोकार्डियोग्राफी। हार्ट की इकोकार्डियोग्राफी से पता चलता है हार्ट के दिखता है हार्ट की फंक्शनैलिटी कितनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन अल्टीमेटली ब्लॉकेज अगर हम सस्पेक्ट करें, हार्ट अटैक सस्पेक्ट कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हियर इज एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी इज नॉट अ ट्रीटमेंट, एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसमें हमें पता चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ है हार्ट के अंदर, किस नस में है, कहाँ है। जैसे पेड़ की शाखा में एक छोटी मोटी डंगाल टूट जाए कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता, वो पेड़ रहेगा, लेकिन जड़ में प्रॉब्लम हो तो पेड़ गया। वैसी हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो भी पेड़ जैसा है, उसकी जड़ में ब्लॉक हो गया तो हार्ट रुक जाएगा। उसकी छोटी मोटी डांग पेड़ में है जहाँ है तब भी दर्द होगा, लेकिन आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा, ये पता हमें एंजियोग्राफी से चलेगा। एक जगह ब्लॉकेज है कि पाँच जगह ब्लॉकेज है, दो जगह है कि तीन जगह है, ये एंजियोग्राफी से चलेगा। एंजियोग्राफी के बाद ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये पेशेंट को स्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बाईपास की ज़रूरत पड़ेगी, या केवल दवा की। तो अगर आपका ब्लॉकेज 70% से ऊपर है, 70-80 से ऊपर है, तब 70 या 80, कई 80 मानते हैं, कई 70 बोलते हैं, 70 या 80 से ऊपर है तो आपका आगे खोलने की ज़रूरत पड़ सकती है एंजियोप्लास्टी, या फिर वो भी मेजर नस में है तो। माइनर नस में तो कुछ नहीं करना, दवाई चलती। और इवन इफ वो ज़्यादा है, एटलीस्ट पता तो चले आपका कितना रिस्क है, एटलीस्ट दवा उसके हिसाब से चले। इसलिए एंजियोग्राफी इज़ अ गुड टेस्ट। एंजियोप्लास्टी बोलते हैं जब उसको खोलते हैं, छल्ला लगाते हैं, बलूनिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं उसको, तो एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगाते हैं। हार्ट का बाईपास ऑपरेशन आपने सुना ही है। उसके अलावा अगर मान लीजिए धड़कन में गड़बड़ी है तो पेसमेकर भी लग सकता है, टेम्पररी या परमानेंट। और बहुत ही ज़्यादा कभी मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे अटैक में हार्ट फट जाएगा तो तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है।
खैर उतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है और बहुत ज़्यादातर फिर पेशेंट निकल लेता है, लेकिन ऐसा भी है, ऐसे भी दुनिया में सेंटर्स हैं जहाँ ये सब तुरंत तुरंत भी किया जा सकता है। याद रखिए, हार्ट अटैक इज़ अ मेजर मेजर डिजीज़ जो आप देखने वालों में से आधे लोगों को होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सुन लो, देखने वाले जितने भी लोग आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, उनमें से आधे लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी हार्ट अटैक होगा। तो ये वीडियो की इम्पोर्टेंस सोचो कितनी है। तो इसको ज़रूर धुआंधार तरीके से शेयर करो, समझो, और कोई सवाल है तो हमें लिखो। प्रिवेंट करो, एक्सरसाइज करो, अच्छे से स्मोकिंग दारू बंद करो और नींद अच्छी लो, स्ट्रेस छोड़ दो, नेगेटिविटी ख़त्म करो, डायबिटीज़ ओबेसिटी को मैनेज करो, बीपी को मैनेज करो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर परमजीत। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। दिस इज डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।